सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ के अंतर्गत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा उप स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित बिल्डिंग। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विभाग मंडल संभाग छिंदवाड़ा के द्वारा लाखों रुपए का उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण में खपाई जा रही घटिया दर्जे की निर्माण सामग्री। जनपद पंचायत बिछुआ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में आने वाले ग्राम में शासन प्रशासन क्षेत्र वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उस स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण करवा रही है। भवन निर्माण को लेकर संबंधित विभाग और उसके चहेते ठेकेदार द्वारा जमकर अनियमितता बरती जा रही है। निर्माण कार्य में घटिया व निम्न दर्जे की भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए की लागत से निर्मित होने वाली इस उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम और क्षेत्रवासियों की मांग पर शासन प्रशासन ने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण करने के लिए लाखों रुपए की स्वीकृति दी है और भवन निर्माण का जिम्मा सरकारी निर्माण एजेंसी को दिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा इस भवन के निर्माण का ठेका अपने चहेते ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो संबंधित ठेकेदार प्रदेश सरकार और लोगों की मंशा को हाशिए में रखते हुए घटिया दर्जे का भवन निर्माण कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ठेकेदार भवन की जुड़ाई, छपाई और स्लिप ढलाई जैसे कार्यों के लिए लोकल घटिया दर्जे का उपयोग सामान कर रहा है। इसके अलावा भवन में घटिया दर्जे की मिट्टी, सीमेंट, ईंट का भी उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से भवन निर्माण की गुणवत्ता जांच कराए जाने की मांग की है। अभी कल शिले पानी में लेआउट डालने गए थे, अभी तक वहाँ की जमीन फाइनल नहीं होने दिए लोगों ने। वहाँ के संबंध ने लेटर लिख के दिया है कि जो जमीन है इस पर अतिक्रमण है और यहाँ नहीं बनाना है, हम दूसरी जमीन ढूंढ के दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं? सर, ग्रामीणों को आरोप है कि विभाग के अधिकारी लोग यहाँ पे निगरानी करने, निरीक्षण करने नहीं आते। सर, सरपंच ही खुद सरपंच ने खुद लेटर दिया दे रहे सर। हाँ, सरपंच हमको जानकारी दे रहे थे। सरपंच ने लिख के दिया। सामरभो के सरपंच का कहना है कि सर बिल्डिंग पर खड़ी हो गई। सर, सामरभो में बिल्डिंग पर खड़ी है, काम चालू है, ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है। समय समय पर जमीन नहीं थी इस कारण डिले हुआ, विभाग से पैसे प्राप्त नहीं हुए इस कारण डिले हुआ है, और अगर ठेकेदार की तरफ से डिले हो रहा है तो उसमें कार्रवाई नियम के अनुसार चालू है। सर, वहाँ के ग्रामीण और सरपंच, पंचायत के सरपंच रहते हैं, उनका आरोप है कि जो ठेकेदार है जो उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है वो गुणवत्ताहीन कर रहा है और घटिया लोकल वैरायटी की सीमेंट का उपयोग कर रहा है। सीमेंट तो इस बारे में क्या ब्रांडेड होती है, ब्रांडेड सीमेंट लग रही है, इसको देखने का हमारा काम होता है। रेत की जगह डस्ट का उपयोग कर रहे हैं सर? नहीं, कहीं पर भी डस्ट का उपयोग नहीं हो रहा, सब जगह रेत का उपयोग हो रहा है। ठीक है, वैसे भी डस्ट नहीं, एमसेंट अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, अगर कहीं उपयोग हो रही है, पर हमारे यहाँ कहीं पर भी एमसेंट उपयोग नहीं हो रही है, सेंट उपयोग हो रहा है, रामा की सेंट उपयोग। तो अभी सर बिछुआ विकास खंड में कितने जगह कंप्लीट हो गए सर भवन? कंप्लीट अभी नहीं हुए हैं, सामरपुर का फिनिशिंग पे है, बाकी दो जगह की मोया की और एक ये है अपना मोया और सिलेवाली, जो कि स्लैब हो गई है, दो जगह की सुपर स्ट्रक्चर पर काम चालू है, सब जून तक कम्प्लीट हो जाए। कितने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर सकते हैं? कहाँ कहाँ पे? मोया, सिलेवाली, सिलेवाली, सामरपुर, जिसमें सिलेवाली में घर गाँव वाले अभी भी काम नहीं करने दे रहे हैं। उनका क्या कहना सर? यहाँ नहीं बनाने देंगे, आपको लगे यहाँ बनाओ। तो सर वो जो भूमि है सर वो तो शासकीय भूमि होगी। शासकीय भूमि है, सरपंच खुद लिख के दे रहा है वहाँ, यहाँ पे नहीं बनाना है, वो बोल रहे हैं हम ढूंढ के लेंगे जमीन। अब हम कैसे समय पर कंप्लीट कर दें बताओ? एक ही ठेकेदार निर्माण कार्य कर रहा सर, छह जगह एक ही ठेकेदार, वो नहीं सर ठेकेदार रामेश्वर। आपका नाम सर? कौशल। किस विभाग से? विभाग आप यहाँ आए हाउसिंग बोर्ड है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार।